यूपी के इन जिलों में छठ पूजा पर छुट्टी का ऐलान, स्कूलों कॉलेजों में भी अवकाश। डीएम ने जारी किया आदेश। छठ पूजा पर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में भी अवकाश रहेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी है। पूजा पर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में भी अवकाश रहेगा। डीएम कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार विभाग अध्यक्ष कार्यालयों एवं अन्य विभागों में जहां पर 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, वहां स्थानीय अवकाश लागू नहीं होगा। गोरखपुर में छठ पर्व पर रहेगा अवकाश। गोरखपुर में छठ पर्व के अवसर पर 8 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने बताया कि पहले 7 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन 8 नवंबर को सूर्योदय छठ पूजा की महत्ता को देखते हुए पूर्व में घोषित अवकाश को निरस्त करते हुए 8 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी छठ पर्व की शुभकामनाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी और अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा, छठ पर्व आत्मानुशासन, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है, जो शुद्ध अंतःकरण और निर्मल मन से सूर्य देव की उपासना का अवसर प्रदान करता है। ये पर्व आपसी प्रेम, सौहार्द और सामाजिक सद्भाव की ओर अधिक सुदृढ़ करने का अवसर भी है। राज्यपाल ने कहा कि छठ महापर्व में हमें एकता, भाईचारे और समृद्धि का संदेश मिलता है, जो समाज को मिलकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में योगी ने कहा है कि छठ पर्व लोक आस्था का एक प्रमुख पर्व है। इस पर्व में आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्ताचल और उदयमान भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण की समृद्ध परंपरा व संस्कृति है। प्रकृति के साथ मानव के जुड़ाव का संदेश देने वाला छठ पर्व इसी समृद्ध परंपरा का जीवंत उदाहरण है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी लोगों को छठ पर्व की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व प्रकृति के साथ लोगों का करीबी रिश्ता बनाता है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में भी अवकाश रहेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी है। पूजा पर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में भी अवकाश रहेगा। डीएम कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार विभाग अध्यक्ष कार्यालयों एवं अन्य विभागों में जहां पर 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, वहां स्थानीय अवकाश लागू नहीं होगा। गोरखपुर में छठ पर्व पर रहेगा अवकाश। गोरखपुर में छठ पर्व के अवसर पर 8 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।